मध्य प्रदेश में कमलनाथ क्या एक पद छोड़ेंगे? जी हां, राजस्थान के फॉर्मूले को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है। हालांकि सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और ये साफ कर दिया कि वो MP की सियासत को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार मामला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कमलनाथ दिल्ली आए और सोनिया गांधी से मुलाकात की तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कई सवाल सामने आने लगे कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है या फिर राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन सियासी चर्चाओं के बीच कमलनाथ ने अटकलों को खारिज करते हुए कह दिया कि मैं मध्य प्रदेश को छोड़ने वाला नहीं, फैसला सोनिया गांधी के हाथ में है। नहीं, क्योंकि एक प्रदेश में अगर हो गया है तो दूसरे प्रदेश से भी सवाल उठता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये सब बातें मैडम के सामने कांग्रेस अध्यक्ष को क्या करेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं, मैं तो हर बात में खुश हूँ। सर, ये भी कहा जाता है कि आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में जिम्मेदारी ले सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। कमलनाथ के दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश में हलचल होने लगी। पार्टी नेताओं ने भी वही कहा जो कमलनाथ ने कहा था कि ये सारे फैसले हाईकमान करती है। देखिए, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ हर राज्य की पूरे देश में अलग अलग होती है, और कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा और किसको टिकट दिया जाएगा सांसद विधायक का, ये सारे निर्णय आदरणीय सोनिया गांधी जी करती हैं जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। BJP इस पूरे घटनाक्रम पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही। राजस्थान फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लाना और कमलनाथ के दिल्ली जाने पर BJP का क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। कि निश्चित रूप से जिस तरह से परिपाटी आज सामाजिक परिवर्तन और क्रांति को लेकर चल रही है, राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर चल रही है, उसका पालन सही समय पर करना ही किसी भी राजनीतिक दल के लिए सार्थक होता है। राजस्थान ने निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत करी है, लेकिन उस अच्छी शुरुआत के पीछे उनका स्वार्थ क्या है, इसको समझने की जरूरत हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ होती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को तुरंत उनसे सीख लेना चाहिए, एक पद तो क्या, दोनों पद तत्काल छोड़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से वो जिस उम्र के पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, लगातार हार की तरफ जा रहे हैं। वही राजनीति की समझ रखने वालों की माने तो कांग्रेस में ये फॉर्मूला सालों से तैयार है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना सफल नहीं हो पाता। कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की बात सालों तक चली और सालों से चल रही है, लेकिन कई राज्यों में इसका अमल नहीं हो पाता है। आप कई बार तो हम ये देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ दो दो तीन पदों को धारण करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस को MP की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। इन सब के बीच कमलनाथ इस वक्त दो पदों को संभाले हुए हैं। पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है। ऐसे में अगर राजस्थान जैसा कोई फॉर्मूला MP कांग्रेस ने भी अपनाया तो कमलनाथ के पास एक ही पद रह जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सर पर 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने का ताज है, तो वहीं पार्टी में सबसे बड़ी फूट, सरकार गिरने और उपचुनाव हारने जैसे तमाम किस्म के आरोप भी। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। खासकर राजस्थान के बाद कांग्रेस के अंदर खाने में सवाल और बवाल दोनों हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, MPCG।